नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में। तो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है अप्रैल 28, 2022 में, ऑलमोस्ट 10 बजे की मॉर्निंग की खबर है कि एक कंपनी, अभी आपको स्टॉक का नाम दिखाऊंगा कि किस प्राइस में ट्रेड कर रहा है और उसके करंट फाइनेंशियल कैसे है। उससे पहले न्यूज समझो कि इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 3000 करोड़ का, वो भी नॉर्थ अमेरिका से। 3000 करोड़ का एक मल्टी ईयर डील इसको मिली है, 3000 करोड़ की। तो काफी बड़ी खबर है दोस्तों इस स्टॉक के लिए, जिसका मार्केट कैप इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है, और उसके बावजूद कंपनी को काफी अच्छा ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ठीक है, और आप खुद देख सकते हो इसको जो अमेरिका से प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, ऑलमोस्ट $400 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जो ऑलमोस्ट 3000 वैल्यू निकल के आती है अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो इंडिया करेंसी में। और तो जुलाई 2025 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो अगले 7 ईयर्स तक चल सकता है, ठीक है। और इसको जो काम करना है उनको सप्लाई ऑफ कनेक्टिंग रोड्स, ठीक है। अभी RODS होता क्या है, रोड्स, तो आप देख सकते हो, मैं सकते ये कुछ होता है। तो आप लोगों के मन में एक तीव्र इच्छा आ रही होगी, तीव्र विचार आ रहा होगा कि भाई स्टॉक का नाम तो बता दे। तो स्टॉक का नाम है सन सैरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। 780 रुपए का मात्र अभी स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों, जब से स्टॉक का IPO आया है, स्टॉक अभी वही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने स्टॉक जो है, अपना जो हाई है IPO का एक साल का, उसको भी अभी ब्रेक नहीं कर पाया है। बाकी अब बात कर रहे थे कंपनी के क्या फाइनेंशियल, तो मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, ठीक है। और मैंने जैसे लिखा है मदन सिंह सुमी को छोड़ो, मतलब सेम कंपोनेंट से बनाती है जैसे मदन सिंह सुमी काम करती है, मतलब पीयर कंपेरिजन करोगे तो भैया मदन सिंह सुमी का बाप बन सकता है ये, ठीक है। बाप तो है ही, इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो बाप है, लेकिन फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा पैसा मदन सुमी में लगा है, इतना मुझे पता है, ठीक है। मार्केट देखो 4050 करोड़ का, कंपनी को ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। ROC पॉजिटिव है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, और साथ में कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की नहीं है। एंड देखो, कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन लगातार प्रॉफिट दे रही है हर साल, ठीक है। इसका मतलब वी कैन सी द स्टॉक में हम देख सकते हैं अगले कुछ सालों के लिए। सेल्स कंपनी की 420 करोड़ की दिसंबर में, प्रॉफिट 20 करोड़ का है। और अगर बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 351 करोड़ की अभी सेल्स हो चुकी है। एंड कंपनी 98 करोड़ का प्रॉफिट दिया, जो लास्ट ईयर 82 करोड़ का प्रॉफिट था। एंड स्टॉक का जो EPS है लगातार ग्रो हो रहा है, तो ठीक है भैया, कंपनी के EPS भी ग्रो हो रहा है, साथ में प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं। और बैलेंस शीट की बात करते हैं, देखो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 601 करोड़ का कर्जा है, ठीक है, 601 करोड़ का कर्जा है। और साथ में कंपनी के जो रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे हैं, कैश फ्लो कंपनी के पास अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त है भाई, ठीक है। प्रमोटर्स का यहाँ पर देख सकते हो आप 36% के आसपास की हिस्सेदारी है, FIIs की यहाँ पर 43% की हिस्सेदारी है, DIIs की यहाँ पर ऑलमोस्ट 12% की हिस्सेदारी है, एंड जो हमारे पब्लिक है बेचारे उनके पास 8% की हिस्सेदारी है। तो मैं यही बोलूंगा, P+F+D, जहाँ इनका पैसा लगा होता है वो स्टॉक डेफिनेटली रॉकेट होता है। और साथ में भैया कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट में मिला, और लगातार अच्छा खासा प्रोजेक्ट की कंपनी जीतने में लगी है। तो मैं यही बोलूंगा, नजरों में रखो, ये स्टॉक डेफिनेटली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में विवाद मचा सकता है, लेकिन देखो अभी ये स्टॉक का लेटेस्ट IPO आया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको फंसने और फंसाने वाला काम किया जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो तभी होल्ड करना स्टॉक को, तभी बाय करना। लॉन्ग टर्म मतलब अगले 5 सालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकी थिंकिंग को मैच करनी है अगर आपको, ये जो FII होते हैं ये क्या करते हैं, ये अगले 5 से 10 सालों के स्टॉक को बाय करते हैं, ना कि भैया 6 महीने के लिए, ठीक है। तो 5 से 5 सालों के बाय कर रहे हो तब बाय करना, क्योंकि स्टॉक प्राइस आपका नीचे भी आ सकता है। जैसे आपको पता ना, IRFC देख लो, रेल विकास निगम देख लो, जब भी इनके IPO आए भैया नीचे गिरते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। SBI कार्ड देख लो, ठीक है, IPO आने के बाद स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पहले भैया यहाँ पर आपको डराया जाएगा, उसके बाद फिर स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाया जाता है। तो मैंने आपको अपना व्यू शेयर कर दिया स्टॉक में, ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, सच बताऊँ तो। अगर मेरे पास पैसा होता, ठीक है, अगर मैं चूज करता मतलब सुमी और इसमें, तो मैं पर्सनली इसमें पैसा डालना पसंद करता भाई, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा,
आपको जहाँ छक आप कर सकते हो, ये मेरा व्यू था अपना खुद का पर्सनल। और यहाँ पर देखो 75,000 शेयर्स लोग घर लेके गए, 2,00,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए, 36 बैंक डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। ठीक है, तो यही है स्टॉक के बारे में, यही है स्टॉक का नाम, यही है स्टॉक का लेटेस्ट प्रोजेक्ट, और यही था लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज जो मैंने आपको शेयर कर दी है। अच्छा लगता है शेयर लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिल रहे हैं अगले वीडियो में।